जय श्री महाकाल। मैं हूँ शास्त्री जी दीपेन भैरावल ज्योतिषाचार्य, OTT इंडिया रग रग में हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो शुभ तारीख है 22 मार्च 2022 और आज का जो वार है मंगलवार। आज का जो दिन बहुत ही विशेष है, साल 2022 है और मार्च महीने की जो तारीख है वो भी है 22 तारीख, यानी कि दिन विशेष है। आज के दिन मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए दिन विशेष बने। क्या विशेष उपाय करें जिससे आपको अच्छे लाभ मिले, इसके बारे में हम बात करें। आइए प्रथम राशि के बारे में जानें। मेष राशि जिनके अक्षर है अ ल ई, उनके स्वामी महाराज मंगल महाराज है। मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपके कार्यक्षेत्र में, आपके व्यवसाय में, जॉब में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, आपको अच्छे अवसर मिलेंगे जिससे आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सके। आज के दिन जैसे जैसे दिन की शुरुआत आगे बढ़ेगी वैसे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। आज के दिन आपके कार्य में लाभ तो मिलने ही है, लेकिन धन का व्यय न हो, धन खर्च न बढ़े, उसके लिए खास ध्यान रखें। परिवार में सुख शांति में वृद्धि होगी, सभी का मन प्रसन्न रहेगा, आपके जीवन साथी से अच्छे मेल झोल बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपके संतान को लेकर जो भी छोटी बड़ी चिंताएं थी वो दूर हो जाएंगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा, दिन शुभ बना सकते हैं। आज के दिन आपको क्या करना है कि पीपल के पान को आपको जो है 5221 बार आप श्री राम लिखकर हनुमान जी के चरणों में आप चढ़ाइए जिससे आपको अच्छे लाभ मिले, दिन आपके लिए शुभ बने। आगे की राशि के बारे में जानें। वृषभ राशि जिनके अक्षर है ब व, उनके स्वामी महाराज है शुक्र महाराज। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपके जीवन में आपको अच्छे लाभ, यानी कि दिन की शुरुआत शुभ होने वाली है। कार्यक्षेत्र में जॉब है, बिजनेस है, ऑफिस है, फैक्ट्री, व्यवसाय में आपको अच्छी सफलताएं मिलेगी। आज आपके कार्य में आने वाले सभी प्रकार की अड़चने जो है सब दूर हो जाएंगी, जो भी अवरोध है वो सब दूर हो जाए और मन प्रसन्न रहेगा। कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त होने के कारण ही आज के दिन आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, घर के सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ कार्य होगा। संतान को लेकर छोटी बड़ी चिंताएं हो सकती है, उनके पढ़ाई को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है, इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आज के दिन गुलाब की माला हनुमान जी को अर्पण कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए जिससे आपको अच्छे लाभ मिले, दिन आपके लिए शुभ बने। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में, जॉब व्यवसाय में, नौकरी में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। किसी बुजुर्ग का साथ सहकार आपको मिलने वाला है, उनकी उत्तम सलाह और उनके दिए गए सूचन से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, मार्गदर्शन से आपको लाभ मिलेंगे और आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। आज के दिन आपके कार्यक्षेत्र में विशेष लाभ विशेष व्यक्तियों से प्राप्त हो सकता है, किसी बड़े आदमी से मुलाकात होना, किसी सरकारी अधिकारी से या फिर राज्य के क्षेत्र से जुड़े हुए कोई बड़े आदमी से आपकी मुलाकात हो सकती है और उनसे अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन में धन की हानि ना हो, उसके लिए खास ध्यान रखिएगा क्योंकि वो संभावनाएं बढ़ सकती है। धन खर्च कम कीजिएगा, धन का व्यय कम हो उसके लिए खास ध्यान रखिए, धन की बचत हो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रयत्न कीजिए। कैसे व्यापार से हमें धन की प्राप्ति मिले उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रयत्न कीजिए। परिवार में आज के दिन सुख शांति में वृद्धि होगी, लेकिन जीवन साथी से थोड़ी सी अनबनाव हो सकती है, इसलिए मन को शांत रखिएगा। संतान को लेकर छोटी चिंता रह सकती है। आज विशेष उपाय कीजिएगा, सरसों का तेल जो है हनुमान जी को अर्पण कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए जिससे हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। आगे की राशि के बारे में हम जानें। कर्क राशि जिनके अक्षर है ड और ह, उनके स्वामी महाराज चंद्र महाराज है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। धन को लेकर आपकी समस्या दूर होने वाली है। आज
किसी कार्य को लेकर आप बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, जिसमें आपको अच्छे धन लाभ मिले, कार्य में वृद्धि मिले, अच्छी सफलता मिले, साथ ही साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि मिले। दिन आज के लिए शुभ हो सकता है। आज कोर्ट कचहरी को लेकर थोड़ी सी भागा दौड़ी हो सकती है, इसीलिए मन को शांत रखिएगा। साथ ही साथ आज के दिन उस कार्य में आपको अच्छी सफलता भी मिल सकती है, इसीलिए दिन आपके लिए शुभ कार्य हो सकता है। परिवार में सुख शांति में वृद्धि होगी, जीवन साथी से अच्छे प्रेम भाव बढ़ेंगे, संतान को लेकर उनकी पढ़ाई को लेकर चिंताएं बढ़ेगी, लेकिन दिन आपके लिए शुभ हो सकता है। आज के दिन आपके स्वास्थ्य में अच्छे सुधार आए, आपका मन प्रसन्न रहे उसके लिए अच्छे से प्रयत्न कीजिएगा, जिससे आपके स्वास्थ्य में कमजोरी से आप बाहर आएंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बनेंगी, जिससे आपकी अच्छी ऊर्जाएं बढ़ेंगी और सात्विक ऊर्जा से आप जहां भी जाएंगे वहां का माहौल आपके लिए अच्छा बन जाएगा। आज विशेष उपाय ये कीजिएगा कि आज गाय के घी का दिया का दान कीजिए हनुमान जी के मंदिर में, 11, 21, 51, 108, जैसे आपकी शक्ति, जिससे आपको अच्छे लाभ मिले, दिन आपके लिए शुभ बने। आगे की राशि सिंह राशि, जिनके अक्षर है म और ट, उनके स्वामी महाराज सूर्यदेव है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपके विद्या क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ मिलने वाले हैं, कुछ अच्छे परिवर्तन आने वाले हैं, जिससे आपको अच्छे शुरुआत मिले और आपकी प्रशंसा की जाए। आज के दिन आपके विचारों में अच्छे बदलाव आने के कारण ही आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। आज आप अच्छी ऊर्जा से आप अच्छे कार्य करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ आज के दिन रहने वाली है। परिवार में आज के दिन सभी लोग मिलजुल के रहेंगे, शांति से आज का दिन व्यतीत होगा और सभी प्रकार की प्रशंसा आपके और आपके परिवार को प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में जॉब, बिजनेस, ऑफिस, फैक्ट्री, व्यवसाय में आपको सभी प्रकार की शांति मिलने वाली है। दिन शुभ हो सकता है, अच्छी शुरुआत के कारण ही आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। आपके कार्यक्षेत्र में, आपके व्यवसाय में आप ज़्यादा परिश्रम करेंगे और अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन प्राप्ति के शुभ योग दिखने वाले हैं, लेकिन याद रखिए आपका स्वास्थ्य बिगड़े नहीं, सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य अगर आपका कमजोर हुआ तो आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कम हो सकती है। इसीलिए अच्छा स्वास्थ्य बनाएं और अच्छे स्वास्थ्य अच्छा मन प्राप्त होता है, अच्छे मन से दिन की शुरुआत अच्छी होती है। दिन शुभ बनाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिससे श्री राम जी प्रसन्न रहे और हनुमान जी की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो, दिन आपके लिए शुभ बने। आगे की राशि के बारे में जानें। कन्या राशि, जिनके अक्षर है प, ठ और हण, उनके स्वामी महाराज बुद्ध भगवान हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन आप के कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, व्यापार में, जॉब में, नौकरी में आपको शुभ सफलताएं मिलेंगी, कुछ नए कार्य करेंगे, कुछ नूतन कार्य को लेकर आप ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। आपके कार्य नई जॉब प्राप्त कर सकते हैं, नया व्यवसाय आप आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। आज के दिन कठिन से कठिन कार्य आपके लिए आसान लगेगा और उसी सभी कार्य में आपको मन चाहा फल प्राप्त हो सकता है। आज के दिन साहित्य और कला को लेकर आप क्षेत्र में बहुत ही प्रसन्न रहेंगे और अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके मान और सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि मिले। साथ ही साथ परिवार में भी सभी प्रकार की सुख शांति में वृद्धि हो, ऐसे शुभ योग बनने वाले हैं। आज के दिन आपके जीवन साथी से अच्छे मेलजोल बनेंगे, संतान को लेकर आपकी सभी परेशानियां दूर होने वाली है, लेकिन आपके स्वास्थ्य में अच्छे बदलाव आए उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रयत्न करने जरूरी है। दिन शुभ बना सकते हैं, कुछ नूतन कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके परिवार में, आपके कार्यक्षेत्र में अच्छे लाभ मिले और धन प्राप्ति के योग बने, धन की बचत हो, उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रयत्न कीजिएगा। दिन शुभ बनाने के लिए ओम रामाय नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा, कम से कम 108 बार तो कीजिए, जिससे आपको अच्छे लाभ मिले, दिन आपके लिए शुभ बने। आगे की राशि तुला राशि, जिनके अक्षर है र और त, उनके स्वामी महाराज है शुक्रदेव। तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपके कार्यक्षेत्र में, व्यापार, व्यवसाय में, जॉब में, नौकरी में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। आज के दिन बुजुर्गों का साथ आपको प्राप्त हो सकता है, उनकी अच्छी सहाय से, उनके अच्छे उत्साह बढ़ाने के कार्य से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, लेकिन याद रखिए आपके बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका स्वास्थ्य बिगड़े नहीं, उनके आरोग्य में बुरे परिवर्तन ना, उसके लिए खास ध्यान रखिएगा।
परिवार में सुख शांति का माहौल आज भंग ना हो, इसके लिए भी खास ध्यान रखें। सभी प्रकार की मानसिक चिंताओं से दूर रहने के लिए कुछ देव कार्य, धार्मिक कार्य, पूजा पाठ से जुड़े हुए शुभ कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके और आपके परिवार में अच्छे लाभ की प्राप्ति मिले। आपके कार्यक्षेत्र में, आपके व्यापार व्यवसाय में आप दूसरों के प्रति आप ज़्यादा विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, जिससे आप जहाँ भी जाएंगे आपके मान सम्मान वृद्धि होगी, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों की सभी जगह पर प्रशंसाएँ होती हैं। आज के दिन आपके खर्चों में आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। धन की बचत अवश्य करनी है, धन का व्यय न हो, धन खर्च न हो, उसके लिए खास ध्यान रखें, जिससे आपकी आर्थिक परिस्थिति मजबूत बने और भविष्य में आपको अच्छे लाभ मिले। आज के दिन आपके परिवार में सभी प्रकार की सुख शांति की प्राप्ति हो, उसके लिए पिपल के पेड़ में आप जल अर्पण कीजिए। ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न रहेंगे, हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे और आप सभी की इच्छा पूर्ण करेंगे। आगे की राशि के बारे में हम जानें। वृश्चिक राशि, जिनके अक्षर है न और य, उनके स्वामी महाराज मंगल महाराज है। वृश्चिक राशि के जातकों के आज के दिन आपके कार्यक्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय में, आपके निजी जीवन में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छी सफलता प्राप्त होगी, अच्छी शुरुआत होगी। दिन की शुरुआत में आपको अच्छे लाभ शुरू होना प्राप्त हो जाएगा। किसी मनोरंजन को कार्य को लेकर आप आपके परिवार में सभी प्रकार की सुख शांति भरा माहौल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सभी का मन शांत रहेगा। छोटी बड़ी जो भी मानसिक चिंताएं थी वो सब दूर हो जाएंगी और सभी लोग आनंद में रहेंगे। आज के दिन आप तमाम खुशियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह आप पर कृपायमान है, आप पर प्रसन्न रहेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे आपके कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ आज के दिन जो है घर का वातावरण जो है वो आनंदित होगा ही, लेकिन आपके जीवन साथी से अच्छे मेलजोल बढ़ेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो नए जीवन साथी प्राप्त होने के कुछ संयोग प्राप्त हो सकते हैं। संतान को लेकर छोटी सी चिंता रह सकती है, उनके कार्यक्षेत्र को लेकर, उसके पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ी सी चिंताएँ बढ़ सकती है। इसके लिए आपको विशेष उपाय ये करना है कि सूर्यास्त के बाद पिपल के पेड़ के नीचे दिया करना है। सरसों का दिया कर सकते हैं, गाय का घी का दिया कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे लाभ मिले। शनिदेव और हनुमान जी आप पर प्रसन्न रहे, दिन आपके लिए शुभ बने। मकर राशि, जिनके अक्षर है ख, ज और ज्ञ, उनके स्वामी शनिदेव है। मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपके कार्यक्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय में, जॉब में आपको शुभ सफलता मिलने वाली है। आज अच्छे कार्य में आपको बड़े लाभ मिलने वाले हैं। आज जहाँ भी जाएंगे आपको अच्छी वाहवाह भी प्राप्त हो सकती है। आज के दिन आप धन प्राप्ति के स्रोत जो है बढ़ सकते हैं। व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, जिससे कई से अच्छे धन की प्राप्ति होने वाली है। चारों दिशाओं से धन प्राप्ति के शुभ योग दिखने वाले हैं। आज के दिन आपके नसीब जो है जोर करेगा, आपका भाग्य आपको साथ देगा। साथ ही साथ आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। परिवार में सुख शांति में वृद्धि होने वाली है, सभी का मन प्रसन्न रहने वाला है और इन सभी का कार्य यानी कि सुख शांति वृद्धि प्राप्त करने के लिए जो कारणभूत व्यक्ति हैं वो आप ही हैं। साथ ही साथ आज के दिन आपके जीवन साथी से अच्छे मेलजोल बढ़ेंगे और आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, आपके संतान किसी बुरे संगत पे ना आए, उसके लिए खास ध्यान रखिए। दिन शुभ बनाने के लिए आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कम से कम 11 बार कीजिए, जिससे आपको अच्छे लाभ मिले, दिन आपके लिए शुभ बने। आगे की राशि के बारे में हम जानेंगे। आगे की राशि धनुराशि, जिनके अक्षर है भ, ध और प, उनके स्वामी महाराज गुरु बृहस्पति है। धनु राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपके कार्यक्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय में, जॉब में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपका मन करे उसी के कार्य में आप कार्य करने वाले हैं, यानी कि पसंदीदा कार्य में आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ेगी। दिन शुभ बनाने के लिए, अच्छे धन प्राप्त करने के लिए, अच्छी व्यक्ति से आप मिलना चाहेंगे, आपकी सोच से सभी का मन प्रसन्न रहेगा, दिन आपके लिए शुभ हो सकता है। आज के दिन आप अच्छे पुस्तकों का वाचन कर सकते हैं, धार्मिक हैं या फिर आपके कार्यक्षेत्र को लेकर, या आध्यात्मिक है या फिर साइंस को लेकर, किसी अच्छे विषय पर आप ज़्यादा चिंतित रहेंगे और अपने मन से उस कार्य में आप ज़्यादा रुचि रखेंगे।
दिन आपके लिए शुभ हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि आपका जो स्वभाव है वो लागनी वाला यानी कि संवेदनशील है, जिससे आप किसी भी बातों में आकर आप दुखी हो सकते हैं, या फिर अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे गद्दारी कर रहा है तो आप सहन नहीं कर सकते। इसलिए अच्छे मन से अच्छी सोच से दिन की शुरुआत कीजिएगा और आगे बढ़िए, जिससे आपको अच्छे लाभ मिले। परिवार में आज के दिन सुख शांति में वृद्धि हो सकती है, दिन आपके लिए शुभ हो सकता है। जीवन साथी से आपको आज के दिन अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज आपके संतान के प्रति सभी चिंताएं दूर होगी। मन प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। आज कांसे की जो कटोरी होती है उसमें आपको तेल डालकर अपनी छाया देखनी है और शनिदेव के मंदिर में आप रख देना है, जिससे आपको अच्छे लाभ मिले और आपके सभी बुरी बलाएं दूर हो जाए। आगे की राशि के बारे में जाने आगे की राशि कुंभ राशि, जिनके अक्षर है ग स स और स, उनके स्वामी महाराज है शनिदेव। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय में आपको बड़े अच्छे लाभ मिलने वाले हैं, बड़े अवसर मिलेंगे, बड़े कंपनी से बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में थोड़ी सी चिंताएं तो रहेगी, लेकिन लाभ अवश्य मिलेंगे। किसी न किसी कार्य से किसी वजह से आपके जीवन में धन की वर्षा हो सकती है, यानी कि अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। धन प्राप्त करना और साथ ही साथ धन की बचत हो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। धन का व्यय न हो उसके लिए खास ध्यान रखिएगा, धन खर्च कम कीजिएगा। आज के दिन आपके जीवन में अच्छे मित्र आपको बनेंगे, साथ ही साथ किसी सहकर्मी आपके लिए मित्र भावना प्रकट करेंगे, जिससे आपको अच्छे लाभ मिले। दिन शुभ बन सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि आज के दिन अगर आप आलस रखेंगे तो आपको मानसिक चिंता बढ़ सकती है। परिवार में सभी का मन अच्छा रहे उसके लिए अच्छे प्रयत्न कीजिएगा, अच्छी सोच से शुभ कार्य कीजिए, जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आज के दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़े नहीं, आज आपका स्वास्थ्य में अच्छे सुधार आए। बुखार हो या सिर दर्द हो, पेट में दर्द हो, या पाँव में जोड़ों में या फिर घुटनों में दर्द हो, उन सभी स्वास्थ्य से चिंता से जुड़ी हुई सभी बातों से आप आगे बढ़िए और अच्छी मेहनत कीजिए, जिससे आपको अच्छे लाभ मिले। क्योंकि अगर स्वास्थ्य अगर कमज़ोर है तो ज़्यादा मेहनत करने से उन सभी कमजोरियाँ दूर हो जाएंगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। दिन शुभ बन सकता है। आज के दिन खास ये उपाय कीजिएगा कि कपूर और लविंग जो है लौंग है उसको घर पे एक मिट्टी के जो भी साधन है उसमें आप जलाइए और उससे आपकी सभी घर के और आपके जीवन की नेगेटिविटी जो है दूर हो जाएंगी और आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। दिन आपके लिए शुभ बनेगा। आगे की राशि के बारे में हम जाने मीन राशि, जिनके अक्षर है द च ज और थ, उनके स्वामी महाराज गुरु बृहस्पति हैं। मीन राशि के जातकों के आज के दिन आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय में जॉब में आपको शुभ सफलताएं मिलेगी। आज के दिन थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, आपकी चिंता में वृद्धि होने वाली है। आज कार्य करेंगे उस कार्य में मन को शांत रखना है, क्रोध नहीं करना है, अच्छे मन से दिन की शुभ शुरुआत करनी है। आज के दिन आपके लाइफ पार्टनर से ईर्ष्या न बढ़े उसके लिए खास ध्यान रखिएगा, उनसे अच्छी तरीके से बात कीजिए, उनसे वाद विवाद न बढ़े उसके लिए भी खास ध्यान रखिए। दिन शुभ बनाने के लिए कुछ देव कार्य धार्मिक कार्य इत्यादि कर सकते हैं, जिससे आपके परिवार में भी सभी प्रकार की सुख शांति की प्राप्ति मिले। आज किसी न किसी कार्य को लेकर आप कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि अच्छे निर्णय लेने के लिए अच्छा वातावरण और शुभ वातावरण होने के कारण ही वो ले सकते हैं, उसमें अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शोक में और सुख और दुख में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना नहीं चाहिए, जिससे मनुष्य को हानि हो सके। इसीलिए अच्छे मन से अच्छी सोच से निर्णय लीजिए, जिससे आपको अच्छी सफलताएँ प्राप्त हो सके। आज के दिन अच्छे लाभ मिले उसके लिए विशेष उपाय ये कीजिएगा कि गाय को घास खिलाइए और दिन शुभ बनाइए, जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। मित्रों, ऐसे ही मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए मैंने राशि भविष्य के बारे में बात की, कुछ राशि उपाय बताएं, ऐसे ही विशेष उपाय को लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री महाकाल।